है गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक है IDBI बैंक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें वैकेंसी आई है, कुल मिलाकर वैकेंसी देखी जाए तो इसमें साढ़े 700 करीब पोस्ट आई है। तो थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है, किस तरीके से क्या है। तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर आपको याद नहीं हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट जरूर याद कर लीजिए। एडवर्टाइज नंबर है 5/2017/18 और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 28 फरवरी 2018 से। और देखा जाए तो इसका जो मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन ऑफ पास पढ़ लीजिए एक बार कि IDBI बैंक लिमिटेड इज़ अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग मेजोरिटी शेयर होल्डिंग बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी है, आप प्राइवेट ना समझे इसको। इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कंप्लीट रेंज ऑफ रिटेल एंड कोऑपरेटिव बैंक सर्विस इट्स क्लाइंट्स। रिक्रूटमेंट इन IDBI बैंक आर स्ट्रिक्टली ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाई ओपन कॉम्पिटिशन एंड बैंक नॉट टू हायर अथोराइज एनी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल टू रिकमेंड और रिजल्ट एनी पर्सनल ऑन इट्स बिहाफ और कलेक्ट एनी मनी कमीशन और चार्ज रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग ETC। तो याद करने का यह है कि इसमें सबसे बढ़िया है कि जो यह है ऑल इंडिया कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, ये किसी भी कंपनी के थ्रू नहीं करवा रहा। आप किसी कोई एजेंट बोले कि भाई मैं पैसे देकर आपको कंसल्टेशन करा दूँ तो ना करिए। कोई कोचिंग कुछ का नहीं है इसके अंदर, जो है वो आप इंस्ट्रक्शन में देखते जाइए, पढ़ते जाइए, किसी भी फ्रॉड केस में ना फंसे। तो इसकी अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी से, और अगर आप जनरल में है तो आपके नीचे 60% मार्क्स, और आप SC/SW में 55% आपका होना चाहिए, और एज है आपकी 20 to 25। इसके एग्ज़ाम डेट है 28 अप्रैल 2018। स्टार का मतलब होता है कि है, हो सकती है। टोटल वैकेंसी 760, हैश का मतलब बढ़ सकती है, कम हो सकती है। SC की 122, ST की 56, OBC की 202 और जो बाकी बचेगी वो कंप्लीट देखी जाए जनरल की। तो जनरल इसमें दे नहीं रखा, पर कैलकुलेट किया जाए तो करीब 296 पोस्ट जनरल के लिए बनती है। तो अभी देख लीजिएगा इसका स्टार अपने इसमें आया था तो इसका मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन और चेंज इन द डेट ऑफ ऑनलाइन अटेस्ट की हो सकता है डेट आगे पीछे कर सकता है, और हैश का मतलब हो गया नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो आई कुछ पढ़ने का तरीका नहीं है, बाकी देखते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी के एरिया है, जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2018 के अनुसार ही मानी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन है इसका ऑनलाइन, मतलब 1 जनवरी 2018 को अगर आप 24 साल 364 दिन के हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, अगर आप 25 साल 1 दिन हो चुके हैं तो आप इसको नहीं भर सकते। तो इसकी स्टार्टिंग डेट 6 फरवरी को इससे स्टार्ट होगा और ये 28 फरवरी तक चलेगा, और पेमेंट फीस अगर देखी जाए तो भी यही है कि 6 फरवरी से 28 फरवरी तक ही चलेगा। और SC/ST अगर ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं सेंटर पर तो 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में लगेगी, और ऑनलाइन डेट का जो टेस्ट का सेंटर है ऑल सेंटर में एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये 28 अप्रैल 2018 को। अलॉटमेंट कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशन के बारे में देखते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी कॉन्ट्रैक्ट बेस, ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटील ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दिस मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर ए फ्यूचर पीरियड 2 ईयर सब्जेक्ट टू सेटिसफैक्ट्री परफॉर्मेंस कॉम्प्लेंशन एंड असाइंड मैंडेटरी टू ई लर्निंग सर्टिफिकेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑन सक्सेसफुल कॉम्प्लेंशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑन कंट्रोल सर्विस सच अपॉइंटमेंट बी ए बिकम एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इन IDBI बैंक। तो इसका यह है कि अगर आप 3 साल तक इसके अंदर अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लेते हो तो आप इसके अंदर परमानेंट हो सकते हो एज ए असिस्टेंट मैनेजर पे। और जो आपका वो है फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी होगी 17,000 रुपये, सेकेंड ईयर आपकी होगी 18,500 पर ईयर पर मंथ, और थर्ड ईयर होगी आपकी 20,000 पर मंथ एज ए सर्विस, उसके बाद आपकी है, और आपको TA DA HR कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें साफ मना कर रहा है। दिस एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच ए DA HR ETC। सॉरी माफ कीजिए, इसके अंदर कोई भी DA DA और HR वगैरह है हो सकता है आपको दे, हो सकता है आपको ना दे।
During the contract period, the application can be posted at any branch or office of the bank as per description of requirement of the bank. Application will be posted at IDBI bank description to any offer of IDBI bank or the department or office to business unit, IDBI bank subsidiary or associate insured. This appointment being purely contractual in nature, to appointment shall not be entailed any supervision behalf whatsoever. Also, appointment shall be not entitled of any gratuity and provident fund behalf. However, do executive should be covered under IBLNSP rule 2011. तो इसमें भी अगर देखा जाए तो ये कुछ खास अच्छा नहीं है बैंक में कि आपको कुछ भी अलाउंस वगैरह का इसमें मना कर रहा है ये साफ साफ, पर अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप ही कर सकते हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वुड भी कवर चाहिए ये कवर हो। IBLNSP रूल 2011 के अंदर कवर था ये कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको PADF जो आपके प्रॉफिट फंड वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, पैसा साफ बना कर रखा है। कि IDBI बैंक सब्सिडरी और एसोसिएट इंस्टीट्यूट द अपॉइंटमेंट वुड बी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा ये। द अपॉइंटमेंट नॉट शैल बी एंटर एनी सुपरनेशन बेनिफिट व्हाटएवर, जो आपको अलग से जो प्रॉफिट वगैरह वो नहीं मिलेगा इसमें। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ सर्विस वुड नॉट बी कंडक्ट ऑफ एनी सुपरनेशन टर्मिनल बेनिफिट इन केस द अपॉइंटमेंट इज कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ IDBI बैंक एज ए रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉई ए लेटर स्टेज। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं तो नॉर्मल जो आप तो वही जानते वही होगी, एज भी इसकी वही 20 से 25 साल के बीच में, आपको इंडियन होना चाहिए, ये होना चाहिए वो है। और डेट देखी जाए तो आपको 2 जनवरी 1993 से पहले पैदा ना हो और 1 जनवरी 1998 के बाद आप पैदा ना हो, और ये दोनों डेट इसके अंदर इंक्लूड होगी। SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए नॉन क्लेमर 3 साल का, और डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, और एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए भी 5 साल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देखें तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, हाई डिग्री आपकी चलेगी, और आपकी जो डिग्री है वो बिफोर फरवरी 28 2018 से पहले हो जानी चाहिए। कैलकुलेशन परसेंटेज देखी जाए, अगर आप जनरल में हो तो आपकी 59.99 भी नहीं चलेगी, और आप OBC ST में हो, SC ST में हो तो आपकी 54.99 भी आपकी नहीं चलेगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, एक नॉर्मल सर्टिफिकेट वगैरह कर लीजिए, RSAT वगैरह। फीस देखी जाए तो SC ST PWD के लिए 150 रुपये है, और जनरल के लिए अदर्स के लिए 700 रुपये है। अगर टेस्ट देखा जाए तो टेस्ट कुछ इस तरीके से लगेगा, इसका पेपर एक ही लगेगा इसका, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे, और 90 मिनट का टाइम है इसमें, GK का रोल नहीं है। और टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा, इंग्लिश को छोड़कर पेलेंटी वही है, 0.125 नंबर कटेगा क्वेश्चन गलत होने पे। टेस्ट सेंटर आप देखना चाहे तो टेस्ट सेंटर आपके जोन में आता है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। याद रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है तो बायोमेट्रिक होगा, तो उस दिन आपको मेहंदी मेहंदी हाथ में ना लगाएं। तो फ्रेंड इस ये कोई IBPS या SBI वाला SBI क्लर्क वाला एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि भाई आप लगो दो तीन साल बाद आप पक्का हो जाओगे, आपको सभी अलाउंस वगैरह मिलेंगे, नहीं। इसमें 3 साल तो आपको
अच्छी तरीके से जॉब करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको कोई भी अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा कि आपका पीएफ का पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप परमानेंट होते हो एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, उसके बाद ही आपको ये बैंक के अनुसार आपको दे सकता है और या नहीं दे सकता है, और हो सकता है कि आपको 3 साल बाद ये आपको अपनी जॉब से हटा दे। तो एक प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस धोखे में ना रहे कि भाई ये गवर्नमेंट में है, तो इन्होंने साफ साफ कह रखा है, ये मिनट में आपको बताता हूँ, ये देखिए आप साफ दिखे देखिए कि IDBI बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल एंड सुटेबल एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑन डिफरेंट ब्रांच और ऑफिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है पूरा का पूरा, याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है 3 साल के बाद ही आपको हटा भी सकता है। तो आप सोच समझ के ही भरी करिएगा, अगर आपकी तैयारी और बैंकों में तो आप उन पर फोकस कीजिए, इसको ना भरिए, मेरा कहना यही होगा। SBI पे फोकस कीजिए, अगर आपका SBI की तैयारी तो आप इसको नॉर्मली निकाल सकते हैं, पेपर कुछ हार्ड नहीं आता। और देखिए साफ मना कर रखा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। फर्स्ट ईयर के लिए आपको सैलरी 17,000 रुपये करीब मिलेगी पर मंथ, सेकेंड ईयर के लिए देखा जाए तो आपको 18,500, थर्ड ईयर के लिए 20,000 रुपये होगी। और यहाँ साफ नीचे देखा है नोट में कि द एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी एंटाइटल टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच ए डीए HR ETC। तो फ्रेंड्स आई होप अगर ये अच्छा लग रहा है कि आप बैंकों में कर सकते हो सर्वाइव इसमें, तो आप फॉर्म भरिए वरना आप रहने दीजिए।